किसान भाई राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमारे पास कमेंट में भी बहुत आ रहा है और फ़ोन भी बहुत सारे किसान हमको लगा रहे हैं और माइक्रोन्यूट्रन के बारे में जानकारियां ले रहे हैं कि हमारी फसलों को हम माइक्रोन्यूट्रन कैसे दें। तो किसान भाइयों, आज हम माइक्रोन्यूट्रन पर ही बात करने वाले हैं और बहुत ही ईजी प्रोसेस से हम सारे माइक्रोन्यूट्रन को अपनी फसलों को बढ़िया से दे सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में एक बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रन कैसे तैयार होता है, यह हमारे डॉक्टर किशन चंद्रा जी के जरिए मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया, मेरे फसलों पर अनुभव किया, जिससे मुझे बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट मिले हैं और वही चीज़ें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्वों का हमारी फसलों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है तो पत्तों पर उसका असर दिखता है, तने पर उसका असर दिखता है, फलों पर उसका असर दिखता है। और जब हमारी फसलों को सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो फलों में क्वालिटी आती है, साइज़ बहुत बढ़िया आता है, चमक आती है, जिससे हमें मार्केट में बहुत ही बढ़िया रेट मिलते हैं। और यह सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में हमारी फसलों को लगते हैं, इसलिए हमें इसे कैसे फसलों को देना है, कैसे इसको तैयार करना है, यह सब हम आज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने बताया है ठीक उसी तरह जो मैंने मेरे खेत पर बनाकर किया है और उसके जो मुझे रिजल्ट मिले हैं, बस वही मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आप 200 लीटर की एक टंकी ले लें और इसमें 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाल लें और वेस्ट डिकम्पोजर में हमें सारी दलहनी तिलहनी दालों को लेकर उसे चक्की में आटा बनाकर इसमें ऐड करना है। आप हमारे यहाँ देख सकते हो, इसमें हमने तुअर की दाल ली है, मूंग की दाल ली है, उड़द की दाल ली है, चने की दाल ली है और तिलहनी में आपके पास में जो भी हो, जो पास में हो वह डाल देना, मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तिल्ली है, सूरजमुखी है, राय है, ये जो जो भी तिलहनी में आपके पास 3-4 आइटम जो भी हो वह आप ले ले और दालों में 3-4 तरह की दालें ले ले, यह सब आपको 2-2 किलो लेना है और इसे चक्की में आटा बनवा के आपको इसमें ऐड करना है। तो हमारे पास में यह सारा हमने चक्की में आटा बनवा के तैयार किया हुआ है। आप इसको 100 लीटर के वेस्ट डिकम्पोजर में पूरी तरह डाल दें। इसके बाद में हमने इसमें लोहा भी डाला हुआ है, तांबा भी डाला हुआ है। तांबे का कोई सा भी बर्तन आप इसमें ऐड कर दे और लोहे में आपके पास खिली हो, सरी हो, जो भी हो, लोहे में जो भी हो वह भी आप इसमें डाल दे। उसके बाद में आप इसको कम से कम 15 दिन रखें और दिन में 2 बार डंडे की सहायता से इसको ठीक इसी तरह हिलाते रहे 15 दिन में। किसान भाइयों, यह वेस्ट डिकम्पोजर जो हमने 100 लीटर इसमें डाला हुआ है वह हमारी इन सब दालों में से, लोहे में से, तांबे में से सारा अर्क निकाल लेगा और दलहनी तिलहनी दालों के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं जो हमें मार्केट में नहीं मिलेंगे। मार्केट में जो परसेंटेज आता है उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज में यह हमारा एक बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रन बन के तैयार हो जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे साड़ी से छान ले और साड़ी से छानने के बाद में आप इसको 20% का स्प्रे अपनी फसलों पर करें। जैसे आपके पास में बड़ी फसलें हैं तो 20% 30% तक भी आप डाल सकते हैं, अगर छोटी फसलें हैं तो आप केवल 20% का ही स्प्रे करें। और इसे आप स्प्रे के जरिए भी दे सकते हैं, ड्रिप एरिकेशन के जरिए भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो आप साड़ी से इसको छानेंगे, जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसको आप फिर से 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में फिर से डाल दे
और फिर 15 दिन के लिए छोड़ दे। आप इसको ऐसे 4 से 5 बार प्रोसेस कर सकते हैं। 4-5 बार की प्रोसेस के बाद जो रॉ मटेरियल बचे उसको आप आपके खेत पर डालकर फिर नए सिरे से दलहनी तिलहनी दालों को लेकर वापस से आटा बनाकर इसमें डालते रहे और माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटिन्यू आप महीने में 1-2 बार स्प्रे करते रहे, जिससे आपकी फसलों पर एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। हम हमारे फार्म पर करते जा रहे हैं और हमें इसके चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। इसलिए जो हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की भरपाई कैसे कर रहे हैं वह हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा किया। आप इसे विश्वास कर कर करें, आपको भी आपके खेत पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और भी जो हमारे पास में जानकारियां है, जो नई नई जानकारियां आती जाएगी, जो हम हमारे खेत पर हमारे फार्म पर अनुभव करते जा रहे हैं, वह आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा करते जाएंगे। धन्यवाद।